हेलो एवरीवन कैसा है आप सभी आई होप कि सारे स्टूडेंट्स काफी बेहतरीन हो गए एंड अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आज हम लोग जो तो टॉपिक कवर कर रहे हैं यार ये है कार्बन कंपाउंड तो कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं so, तो जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मोस्टली रिलेटेड विद कि वो किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं जैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एंड कंपाउंड यार ये जो तो क्वेश्चन तो है ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके को वैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड आते हैं यानी कि अगर आप देखो तो हर ईयर ये क्वेश्चन kind of होते हैं किसी 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 है। आपसे है, आप घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नो वॉट कोवेलेंट बॉन्ड आर है ना हमको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इजीली ये लोग ब्रेक हो जाते हैं तो यार ये सभी रीजंस हमको शो ऑफ करने हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता कहाँ से चलेगा तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपने पास एक बुक है अगर आप सच में चाह रहे हो किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना आपको लग रहा है कि मैम हम लोगों ने बहुत थ्योरी पढ़ ली है बट वी नीड टू प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपके पास में ये बुक है इसमें पूरे के पूरे सैम्पल पेपर्स है इसमें थर्टी सिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है फॉर सी बी एस ई क्लास टेंथ और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइंस के लिए है इसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है कंबाइंड जैसे इंग्लिश के लिए लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों हिंदी ए बी दोनों मैथेमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस और सबसे इस खास बात इसकी ये है कि हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ भी शो है यानी क्वेश्चन मिल जा रहा है आपको ब्लू प्रिंट पता चल जा रहा है कि कौन से टॉपिक से कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है तो इससे बेहतर तो आपके किसी भी बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हो ही नहीं सकता सो गाइस चलिए बात करते सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की तो कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई हमारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी अदर एटम के साथ में जुड़ने के लिए तो वो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये जब शेयरिंग होती है तो इनके बीच में जो बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं है, so बहुत ज्यादा वीक होते हैं सो दैट्स हाउ बहुत इजीली वो ब्रेक हो जाते हैं इसीलिए इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं देन कंपाउंड सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं पे मैंने भी शो किया हुआ है 2020 में। में आपके पास में, why are they different from ionic compounds? हम सभी जानते हैं। हैं होते जस्ट है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं यानी अब वो इलेक्ट्रॉन उनका नहीं है तो ऑक्टिव कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। या फिर वो लोग क्या करेंगे अपने ऑक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से ये एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों की तरह मिल जाते हैं एग्जांपल एल सोडियम के पास में उसके लास्ट वाली जो ऑर्बिट होती है उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वो डोनेट कर देता है क्लोरीन को तो क्लोरीन के पास में अपनी लास्ट वाली ऑर्बिट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से ले लेता है एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और एक्सेप्ट करके पूरे के पूरे जो आयनिक कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड साथ में आपको बता दूं कि वाटर में ये अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ठीक है तो लिस्ट देयर थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज तो अभी मैंने आप लोगों को बता दी ठीक है नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑलवेज एग्जाम्पल की अगर मेथेन बोला तो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट शैल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके पास में कुछ इस टाइप से आयनिक सॉरी आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में फॉर्म होता है तो यहाँ पे बनता है आपके पास में एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है ना तो ये आपका मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो आपको ये आना चाहिए ठीक है अगेन

कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय बिकॉज़ हम लोग जानते हैं कि जितना भी जो हमारा कार्बन का एलिमेंट होता है यार इसके पास में इसका ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए ना ही ये फोर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ना ही फोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है रीजन फोर इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर देगा तो फोर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वी नो कि हमारे को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कार्बन के पास में नहीं होती है ना तो कार्बन के पास में नहीं होती सो so दैट्स वो अपने फोर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकता और अगर मैं बात कर रही हूं किसके बारे में लेने के बारे में यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है तो यार हमारे नाभिक में यानी हमारे न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं वो कितने होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ सिक्स है बट अगर मैं फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लू कार्बन में तो एक जो हमारा जो प्रोटोन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाते तो छो हमारे पास में टोटल सिक्स और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं टेन तो ये भी पॉसिबल नहीं है तो ना ही वो डोनेट कर पाता है ना ही एक्सेप्ट कर पाता है तो जो लास्ट सोल्यूशन बचता है उसके पास में वो होता है शेयरिंग एंड स्टेबिलिटी दैट्स इट मेल्टिंग पॉइंट वी नो दैट बिकॉज डायमंड के पास में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है पिरामिड शेप स्ट्रक्चर जिसमें वो हमेशा एक कार्बन का एटम अपने आसपास के फोर कार्बन के एटम से कुछ इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है लाइक like, एक कार्बन का जो एटम होता है वो अदर कार्बन के एटम से कुछ इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं दैट्स हाउ हमारे पास में हमारे पूरे के पूरे हीरे का कार्बन का स्ट्रक्चर होता है जो उसको स्टेबिलिटी देता है ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं है ना एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ इसके पास में हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं जहां पर एक कार्बन है ना हमारे पास में ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने नेबर के सिर्फ तीन कार्बन के साथ में जुड़ा होता है जबकि एक जो इसका एक, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो काइंड kind ऑफ of नीचे वाली लेयर्स में उसके कार्बन के साथ में बंधा होता है जिससे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है तो so ऐसे ही ढेर सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे एंड आई नो कि ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगी एंड आप लोग इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस के लिए बाय करेंगे guys, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है ठीक है तो चलिए आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं हमारी क्लास को ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए जुड़े रहिए डाउटमेंट के साथ